जो कि बच्चों को फेस करें। अच्छा, हमने इन सब प्रॉब्लम से बहुत बात की है, ठीक है, आप सबने भी देखा होगा, मैंने आपको थेरेपीज भी बताई हैं, सॉल्यूशंस भी बताए हैं, रेमेडीज भी बताई हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, हमने वो भी कर लिया है, ठीक है। होप्सो आप सबको याद हो, होप्सो के आप सबने राइट डाउन कर लिया हो, ठीक है। मुझे बड़ा माशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिला, सब बच्चों ने होमवर्क भी बड़ा अच्छा किया हुआ था। तो मैंने देखा जो सबसे डिफरेंट एक चीज लगी थी, मुझे एक बच्ची ने बताया हुआ था कि वो उन्होंने मूव किया है, किसी और कंट्री में थी, उन्होंने पाकिस्तान मूव किया है, तो उनका जो है जो माइंड मैच है वो नहीं हो पा रहा यहाँ के बच्चों से, क्योंकि वो अपनी क्लास में भी बहुत मुश्किल से पार्टिसिपेट कर पाती हैं, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है हमारे लोगों में कि हम लोग समझते हैं एक बंदा जो बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा है, पता नहीं हम उससे बात करेंगे तो हम उस तरह से उसे रिस्पॉन्स देंगे या नहीं, तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बचपन जो है उनका वो गुजरा सारा उनका दूसरे किसी कंट्री में गुजरा, लेकिन जब वो पाकिस्तान आई सब अपने बचपन के बारे में बात करते थे, तो उस एक्टिविटी में भी वो पार्टिसिपेट बहुत मुश्किल से करती थी। हाँ, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होते हैं या एक जगह से दूसरे मूवमेंट में होते हैं, तो ये तो हमारे कल्चर के हैं। इस टाइप के जो स्ट्रेसर हैं इनके लिए हम लोग अवॉइडेंस यूज करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इन चीजों पे अवॉइड करें, जो क्रिटिसिज्म आ रहा होता है हमारे कपड़ों को लेके, हमारी बातों को लेके, हमारे लाइफस्टाइल को लेके जो होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, हम लोग हैं, हमारी मेंटेलिटी ये है, हम लोग इस कंट्री में रहते हैं, एशियन कंट्री में जिसमें, तो इन चीजों को टाइम लगता है, इन चीजों पे हमें ही वर्कआउट करना होता है। तो इंशाल्लाह इस चीज का भी हम लोग कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन निकालेंगे, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं हम लोग। अच्छा, स्लाइड पे मैंने आपको पेनोरोमा योगा का बताया था कि हम लोग वीडियो पे करेंगे, मैं वीडियो पे तो आ नहीं सकी, लेकिन मैं मेरे पास एक वीडियो है जो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, तो मैं उसकी भी आपको वीडियो बता दूंगी, दिखा दूंगी, अगर मेरी आवाज ना आ सकी तो मैं पूरे आपको स्टेप जो है वो कर दूंगी, बता दूंगी ये। उसके अलावा हम इकोथेरेपी पे बात करेंगे, इकोथेरेपी किस तरह से हमारे लिए पॉजिटिविटी ला सकते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है जी। आज हम इन चीजों पे बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने जो पॉइंट्स हैं आपको लिखवाने हैं स्लीप को लेके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है सब। अच्छा जी, इकोथेरेपी पे सबको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी, इकोथेरेपी पे बात करते हैं जी। इकोथेरेपी क्या है? इकोथेरेपी जो है इज अ वे ऑफ इम्प्रूविंग योर वेलबींग एंड सेल्फ एस्टीम बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। मैंने नेचर की बहुत बात की है, मैंने बताया है कि जब सब हमें उठना है, हमने मॉर्निंग वॉक पे जाना है, हमने खुली हवा में सांस लेना है, हमने डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि हम नहीं जा सकते ना किसी ग्रीनरी वाली जगह पे, किसी गार्डन में नहीं जा सकते, हमारे पास गार्डन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लाहौर शहर है, हमारे पास गार्डन वाकई ही अवेलेबल नहीं होता घरों में, घरों के बाहर। यार आपके घर में, आपके घर के आसपास कोई पौधा छोटा मोटा होगा पौधा, आप यार उसे देख लो, ठीक है, आप उसे नहीं देख सकते, आप अपने फोन पे वॉलपेपर लगा लो, आप गूगल करके पिक्चर्स देखो, ठीक है। तो ये चीजें भी ना बड़ी पॉजिटिविटी लाती हैं हमारी लाइफ में, हमारे स्ट्रेसर्स को कम करती हैं। अपने फोन पेपर का ग्रीन वॉलपेपर कर लो, और कुछ नहीं है तो ग्रीन कलर ही देख लो, ठीक है ना। तो ये चीज भी बड़ी सूदिंग होती है, ग्रीन कपड़े पहनना इनफेक्ट बहुत सूदिंग होता है हमारे लिए, ठीक है जी। इकोथेरेपी में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो नेचर है, ठीक है, इसमें भी हम नेचर को ही देखते हैं, ठीक है। जब हम आउटडोर अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो ये हमें बहुत हेल्प आउट करती है, हम गार्डनिंग करते हैं, हम कन्वर्सेशन करते हैं, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इकोथेरेपी में आएंगी, आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये इकोथेरेपी जो है ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, इकोथेरेपी की जो टेक्निक्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, सबसे पहले नेचर मेडिटेशन है। इकोथेरेपी जो है ये एक नेचर मेडिटेशन है, ये हम किसी पार्क में किसी खुली जगह पे जाके हम लोग ये थेरेपी करते हैं, जब हम जाके वहाँ खुला खुला सांस लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो इकोथेरेपी के थ्रू जो है हम अपने आप को स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ग्रुप थेरेपी भी होती है, आप बहुत सारे कजन्स मिलके, फ्रेंड्स मिलके, या लोग हैं अपने जो, जैसे कि मैंने अक्सर देखा है बुजुर्ग जो है, पहले की बात कर रही हूँ, जब नमाज पढ़ने जाते होते थे तो वहां से ही वॉक पे निकल जाना, अबू जान बताते होते अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते वॉक की तरफ चले जाना,
तो वो चीजें बड़ी अच्छी थी। अब तो जाहिर है हालात ही ऐसे हैं तो हमें अवॉइड ही करना है थोड़ा, लेकिन उससे बेहतर है कि हम लोग ये चीजें घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग बाहर गार्डनिंग के लिए जाते हैं या पार्क वगैरह में जाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जी अब हम लोग गार्डनिंग के लिए गए हैं या किसी ऐसी जगह पे गए हैं, तो एक हमारे बुजुर्ग हैं वो जब अपनी ऐसी वाली एज में चले जाते हैं, 60+ हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनके पास घर में काम करने के लिए भी कोई ऐसा खास जगह नहीं होती, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता, तो घर में काम करने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं होता, तो वो जब जाते हैं ना इकोथेरेपी के लिए, जब वो नेचर के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि अपने आप को वो रिजेंबल करते हैं एक दरख्त के साथ, ठीक है। वो दरख्त जो है वो स्टील खड़ा है अपनी जगह पे, वो परिंदों को जो है वो साया दे रहा है, वो अपने जो नए पौधे हैं उन्हें साया दे रहा है, तो कि मतलब एक वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसी तरह से भी अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे कोई बुजुर्ग हैं जो कि कह लें कि मतलब वो स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं कि अब मेरी एज ज्यादा हो गई है, इवन मेरे अपने घर में ऐसे केसेस हैं कि जिन्हें लगता है कि अब हमारी जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है, तो बजाय इसके कि हम उन्हें इस चीज में इंडल्ज होने दें, हम उन्हें इस चीज में जाने दें कि वो अपने स्ट्रेसर को मजीद बढ़ाएं ये सोच सोच के कि अब हमारी वर्थ नहीं रही, हम बच्चों के काबिल नहीं रहे, हम बच्चों के सहारा नहीं रहे, हम बच्चों के लिए कुछ कमा के नहीं ला रहे, तो आप उन्हें इस तरह से गाइड कर सकते हो, आप उन्हें इस तरह से समझा सकते हो कि आपकी जो एग्जाम्पल है ना वो एक दरख्त की तरह है, एक पुराना जो दरख्त होता है ना आपकी एग्जाम्पल उस तरह से है जैसे एक दरख्त जो है वो खड़ा होता है और वो अपने साथ वालों को साया देता है ना, अपने छोटे दरख्त जितने भी उसके कंपेनियंस होते हैं उनको साया देता है, या बर्ड्स हैं उनको ओल्ड बर्ड्स जो होते हैं उन्होंने अपने नेस्ट बनाए होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, वो नेस्ट पर जाके रखते हैं तो उनके लिए वो बहुत चीज कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से हमारे बुजुर्ग भी हमारे लिए होते हैं, ठीक है। अब इस तरह से उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, इस तरह से आप उन्हें गाइड कर सकते हो। और अगर हमारी लाइफ में भी अगर हम देखें कि नेचर का इस तरह से इतना ज्यादा रोल है, जब हम लोग बाहर जाते हैं हम लोग देखते हैं कि जगह हमारी जगह चेंज होती है ना, मतलब एक जगह से यकसानियत की पहले भी हम लोगों ने बात की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी जिंदगी में यकसानियत से खत्म करो, कि मतलब जब हम कंटिन्यूसली एक ही काम एक ही जगह पे करते रहते हैं तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। इस तरह से नेचर को नेचर के जरिए से अपने आपको मेडिटेट करो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हॉर्टिकल्चरल थेरेपी, अच्छा इसे गार्डनिंग थेरेपी भी कहते हैं। गार्डनिंग आपके घर में अगर गार्डन मौजूद नहीं है तो आप एक पौधा ले सकते हो, सिंपल उसकी गार्डनिंग करो, उसके पानी दो, उसके पत्तों को साफ करो, इस तरह से करके ना उस पर काम करो, तो ये भी स्ट्रेस को रिलीज करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। क्योंकि जब आप जमीन खोदते हो, कोई बीज उगाते हो, आप देखते हो कि एक नया पौधा खिल रहा है, आप उसे छांव में रख रहे हो, आप उसे धूप में रख रहे हो, उस टाइम पे उसे पानी दे रहे हो, उसकी फूड जो भी है आप डाल रहे हो, तो एक आप इंडल्ज हो जाते हो ना एक एक्टिविटी में, तो ये बड़ा अच्छा बड़ी सूदिंग सी चीज होती है कि आपकी थोड़ी देर के लिए आप अपनी उसी सारी स्ट्रेस को भूल जाते हो। हमारे जो दूसरी कंट्रीज हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें मोस्टली मेंटल हेल्थ के लिए ये थेरेपी यूज की जाती है। कि मैंने एक आपसे शायद शेयर भी की हो कि उन्होंने देखा, एक रिसर्च की गई कि जो जितने बुजुर्ग थे उन्हें रखा गया शेल्टर होम में, शेल्टर होम में उन्हें गार्डनिंग के लिए रिसोर्स प्रोवाइड किए गए कि वो गार्डनिंग करें। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे, ऐसे बुजुर्ग थे जिनके पास करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो उनकी हेल्थ ज्यादा इम्प्रूव थी जो गार्डनिंग करते थे बजाय इसके कि जो फ्री रहते थे, ठीक है। इस तरह से गार्डनिंग जो है वो हमें हेल्प आउट करती है। उसके बाद गार्डनिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आ जाता है एनिमल असिस्टेड थेरेपी। अच्छा एनिमल जो होते हैं जैसे कि डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना, कैट्स, कुछ लोगों ने कैट्स रखी होती हैं, कुछ लोग जैसे हमारे लेबर लैंड है, आपने देखा होगा किसान वगैरह हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, उन्होंने बहुत सारे जानवर रखे होते हैं, पानी पिलाना, मतलब मकसद ये है कि अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज करना, ठीक है। मेरा मकसद क्या है कि आपको प्रोवाइड करना, मटेरियल प्रोवाइड करना, आपको ऑप्शंस देना कि हाँ भाई आप अपने स्ट्रेस को इस तरह से रिलीव कर सकते हो। स्ट्रेस का बात ये जब हम बैठ के ओवर थिंकिंग करते हैं तो उस ओवर थिंकिंग से जान किस तरह से छुड़वाई जा सकती है कि हम लोग एनिमल्स पे काम करें, हम लोग बाहर जाएं, हम नेचर के साथ काम करें, इस तरह से, ठीक है जी। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारी फिजिकल हेल्थ आ जाती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, हम जॉगिंग के लिए जाते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, किसी भी पार्क में निकल जाते हैं, तो ये चीजें जो है ये हमें बहुत ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करती हैं स्ट्रेस से।
ठीक है जी, उसके नेक्स्ट जो है इन्वॉल्वमेंट कन्वर्सेशन एक्टिविटीज है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बहुत स्ट्रेस आउट होते हो, आप किसी के साथ बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, मैंने कैथारसिस की बात की थी, हम कैथारसिस करते हैं तो हमारी स्ट्रेस रिलीव होती है, तो इस तरह से ये भी एक स्ट्रेस का मेथड होता है। ठीक है जी, आगे अरोमा थेरेपी है। अरोमा थेरेपी पे जाने से पहले मैं आपको पैनोरामा योगा की वीडियो दिखा देती हूँ। ठीक है, आप वीडियो देखिए, मैं इसे साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा था कि वीडियो की आवाज नहीं आएगी। तो सबसे इसके फोर स्टेप्स होते हैं पैनोरामा योगा के। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके थ्री सेट करेंगे, सेकंड स्टेप है उसके थ्री स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप है उसके थ्री स्टेप है, और फोर्थ स्टेप है उसके थ्री स्टेप है। ठीक है, थ्री सेट है, सॉरी। ठीक है जी, हमने हर स्टेप की थ्री थ्री सेट करने हैं। यहाँ मैंने सारे सेट तो नहीं किए, लेकिन आपने सारे सेट करने होंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो सामने दोषी साहब को नजर आ रही है, ये कंफर्टेबल चेयर पे बैठी हुई है। ठीक है जी, ये आपने अपने हाथ अपनी लैप में रख लेने हैं, और उसके बाद आपने डीप ब्रीथ करना है। ठीक है, आपने इस तरह से बिल्कुल बैठ जाना है और आपने डीप ब्रीथ करना है, लाइक दिस, डीप ब्रीथ, इनहेल, वन टू थ्री। ठीक है, ये तीन दफा आपने करना है। आपने सांस अपना जो है वो आपने नाक की थ्रू अंदर लेके जाना है, और मुंह के थ्रू वो सांस आपने बाहर लेके आना है, लेकिन इनहेल एक्सहेल। ठीक है, कंफर्टेबल चेयर पे बैठ गए हैं, हाथ अपने अपनी टांगों पे रखती है, अपनी लैप में रखी है, और आप सांस ले रहे हैं जैसे कि हम डी ब्रीथिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने थ्री टाइम्स करनी है, थ्री सेट करनी है आप, और साथ साथ आपने आंखें बंद रखनी है और आपने काउंट डाउन करना है, वन टू थ्री, इस तरह से। ओके जी, सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपनी साइड पे, जिस तरह से ये साइड्स हैं, साइड्स पे खुले की हड्डी के ऊपर वाली जो आपकी जगह होती है, आपने कमर पे कह लें, आपने यूं हाथ रखना है और आपने सांस लेना है, इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ठीक है, इस तरह से इनहेल एक्सहेल। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, ये थर्ड स्टेप है कि आपने मिडल फिंगर जो है वो आपने, ये दिस इज फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, दिस वन। ठीक है, ये थर्ड स्टेप आपने, इसमें आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, दोनों मिडिल फिंगर्स आपने जोड़ लेनी है। ठीक है, आपस में, और आपने डीप ब्रीथ करनी है, थ्री सेट्स करोगे आप, और वन बाय वन, वन टू थ्री। इस दौरान मैंने आपको एक म्यूजिक की लाइट सा, वो बड़ा स्मूथिंग सा वीडियो है, म्यूजिक है, आपने वो म्यूजिक ऑन करना है और आपने उसके साथ आंखें बंद कर लेनी है और आपने ये स्टेप करने हैं। ठीक है जी, फोर्थ स्टेप ये कि आपने अपने दोनों बाजू जो है पीछे अपनी कमर को लगाने हैं, जहां तक लेके जा सको, मेरे ज्यादा दूर तक नहीं जाते, मेरे इतने ही जाते हैं, तो आपके जहां तक लेके जा सको आपने उधर तक अपने लेके जाने और आपने डीप ब्रीथ करना है। ठीक है जी, ये हमारे फोर्थ स्टेप थे। होप सो आप सबको समझ आ गई हो, अगर किसी को समझ नहीं आई तो समझा दूंगी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया हमारा पैनोरामा योगा का नाम देते। अब आप अपनी डायरीज निकाल लें। ठीक है, मुझे आपको कुछ लिखवाना है, कुछ टिप्स है अच्छी अच्छी, जैसे कि हम लोग हर लेक्चर में टिप्स देते हैं, तो अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आज स्लीप पैटर्न का मैंने कहा था कि हम स्लीप पैटर्न के टिप्स देखेंगे, कि हमारे जो बच्चों के माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी नींदें हराम हुई हुई हैं या हराम हुई हुई हैं, उसकी वजूहत जो भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग टिप्स देंगे, तो इंशाल्लाह हम उन पे बात करेंगे। अच्छा, जो सबसे पहले रेमिडीज हम यूज कर रहे हैं डिस्टर्ब स्लीप के लिए, सबसे फर्स्ट ये है कि जिस रूम में, जिस बेडरूम में हम लोग सोते हैं, उस बेड को सारा दिन हमने नहीं यूज करना। ठीक है, जिस जिस बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब है, ये उसके लिए बात है। अगर आप उस रूम में जाते हैं, वैसे तो कोशिश करें कि उस रूम में ना ही जाएं, क्योंकि अगर आप और मोस्टली अगर आपका स्टडी टेबल आपके पास है और आपने वहां ही बैठ के स्टडी भी करनी है, जाहिर आपका बेडरूम है, आपने सब कुछ करना है, आपको जाना ही पड़ता है, तो बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने अपना बेड यूज नहीं करना। अच्छा, सारा दिन आपने अपना वाला बेड नहीं यूज करना जहां को रात को आपने सोना है। ठीक है जी, आपने अगर उस रूम में जा रहे हो तो कोई कंफर्टेबल चेयर रख लो, कोई सोफा रख लो, कोई और चीज यूज कर लो, कारपेट यूज कर लो वहां बैठने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने सारा दिन वो बेड यूज नहीं करना, वहां पे ना तो आपने बैठना है ना ही लेटना है। ठीक है जी,
जी रोशना बिल्कुल, डोंट यूज योर बेड होल डे व्हेन यू स्लीप इन नाइट। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। ठीक है जी, उसके बाद दिन में 30 मिनट के लिए, जो सेकंड है हमारा, दिन में 30 मिनट के लिए हमने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग ने अपने एनर्जी जो है पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आनी है, पॉजिटिव चीजों में यूज करके जब हम रात को थक के अपने बेड पे लेटेंगे तो ऑटोमेटिक हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बहुत अच्छी खूबसूरत नींद आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, सेकंड स्टेप क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी मस्ट करनी है। फर्स्ट, सारा दिन हमने अपना बेड यूज नहीं करना जिसपे हमने रात को सोना है। सेकंड क्या है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ठीक है जी, थर्ड जो है, हमने जब रात को सोना है, जब हमें नींद नहीं आ रही, तो हमने कोशिश करना है कि हम लोग कोई बुक स्टडी कर लें, बजाय इसके कि लैपटॉप पे लगे रहो, आप नेट पे लगे रहो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, तो उससे तो बेशक आप दो रातें जाग लो भाई, उससे तो नींद नहीं आएगी। ड्रामे देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, अपने फेवरेट सीजन देख रहे हो, तो उससे तो नींद नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो, सोना चाहते हो, अपने स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करना चाहते हो, तो बुक रीडिंग करो। ठीक है, जब तक आपको ये नींद का मसला है, कोशिश करो कि बुक रीडिंग करो। अब बुक रीडिंग को अपनी आदत बनाओ, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, खलीफा पे बुक्स हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हिस्ट्री जो है उसे रीड करो, बाकी जो हिस्ट्रीज हैं उन्हें रीड करो। तो मतलब अपना जो न्यूज़पेपर रीड किया करो। अच्छा, न्यूज़पेपर आजकल ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी पॉजिटिविटी की तो बात होती ही नहीं है, हर रोज कोरोना ये कोरोना वो इस तरह से, तो वो भी इंसान को चीजें स्ट्रेस आउट करता है। तो बेहतर है कि आप बुक रीडिंग की तरफ आओ। ठीक है जी, और हाँ, एक और काम करना है आपने, बार बार आपने टाइम नहीं चेक करना। अच्छा जी, ड्रामा देख रही हूँ, टाइम अच्छा 2 बजे हैं, थोड़ा सा और देख रही हूँ, ड्रामा देख रही हूँ, अच्छा 3 बजे, इस तरह से करके बुक रीड करो। जब आपको लग गया कि आप थक गए हो, बुक बंद करो और सो जाओ, बेशक वो सुबह के 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। ठीक है, इस चीज को अपना रूटीन का हिस्सा बना लो। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि हमने बुक रीडिंग करनी है और हमने या कोई और एक्टिविटी करनी है एक्सेप्ट मोबाइल और लैपटॉप के, तो उस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने बार बार घड़ी नहीं देखनी, वॉच नहीं चेक करनी, हमने टाइम नहीं देखना। ठीक है जी, जो फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप है, वो है कि हमने सारा दिन नैप नहीं लेना। ठीक है, हमने सारा दिन सोना नहीं है, नैप 30 मिनट का नैप भी इवन नहीं लेना। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद है, बहुत ज्यादा फटीक फील कर रहे हो, तो मैक्स 30 मिनट का आप नैप ले लो। ठीक है, उसमें भी ऐसा है कि आप जाके मतलब कोशिश करो कि आप किसी ऐसी जगह पे जहां आप रात को नहीं यूज करते, आप किसी सोफा पे सो जाओ या किसी ऐसी चीज पे सो जाओ, लेकिन आप अपना बेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप कोई ऐसी चीज जहां आप रात नहीं सोते, तो आप वो चीज यूज कर लो और वहां सो जाओ। ठीक है जी, ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, अपना बेड यूज नहीं करना। सेकंड स्टेप क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। थर्ड क्या है, लैपटॉप यूज नहीं करना, बुक रीडिंग करनी है। एंड द फोर्थ स्टेप इज नैप नहीं लेना दिन में। ठीक है जी, उसके बाद सिक्स स्टेप क्या है कि हमें हेल्दी फूड लेनी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हमारा जो इनटेक है वो हेल्दी फूड की तरफ रहे, देसी फूड की तरफ रहे, बजाय इसके कि हम लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, इस टाइप की चीजें जो है उनसे जरा अवॉइड करना है हमें। हमने हेल्दी फूड खानी है, हमने मैंने आपको कुछ ड्रिंक्स भी बताए थे लास्ट टाइम, हमें वो लेने हैं, हमने वो यूज करने हैं। अच्छा, लेमन ग्रास का यूज अपनी किसने अपनी डाइट में किया? अच्छा जी, माशाल्लाह करने की है। तो सर कैसा फील किया आपने, नींद अच्छे से आ गई थी आपको रात को? आपको लगा कि आपकी कुछ स्ट्रेस रिलीज हुई है उसे यूज करने से? अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ थोड़ा सा। जी, ऐसे है कि मुझे इस तरह कुछ स्ट्रेस था नहीं, बस मैंने एक दवाई यूज की है तो ये बात है, और बाकी जो स्लीप पैटर्न है वो मेरा डिस्टर्ब है। और इसके साथ जो आपने बाकी चीजें बताई ना, 5 स्टेप बताए हैं, वो मैंने नहीं लिए किए ना, तो अब से वो भी ट्राई करूंगा, तो फिर साथ ये भी होगा, तो इंशाल्लाह अब नींद भी आ जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, होप सो कि आप ट्राई करें सारे स्टेप। अच्छा जी, फूड इनटेक के बाद जो नेक्स्ट हमारा है कि हमने 5 ग्रुप्स ऑफ फूड जो है हमने वो लेने हैं। हमने प्रोटीन लेने हैं, हमने कैल्शियम लेने हैं, हमने डेयरी आइटम्स लेनी है, हमने फ्रूट्स लेने हैं, हमने नट्स लेने हैं। ठीक है जी, हमारा सिक्स स्टेप क्या है, हमने हेल्दी फूड लेनी है। एंड द सेवंथ स्टेप इज हमने 5 ग्रुप जो है फूड के वो हमने अपनी फूड में ऐड करने हैं, जैसे कि डायरी के आइटम्स यूज करनी है, दूध पीना है, दही पीनी है। ठीक है, कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, तो चाय ले लें आप लेमन ग्रास के साथ इस टाइप की। ठीक है, नट्स लेने हैं, हमने फ्रूट्स यूज करने हैं, मतलब हेल्दी डाइट जितना हो सके आप हेल्दी डाइट लें, वाटर इनटेक ज्यादा करें। उसके बाद स्लीप इंड्यूस एक्सरसाइज है, ये बड़े मजे की एक्सरसाइज है। ठीक है, मैंने कल तो नहीं है, ये मैंने कुछ दिन पहले मैंने किया भी अपने साथ,
तो मुझे वाकई ही लगा कि हाँ यार ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है, तो ये आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज है। स्लीप इंड्यूस एक्सरसाइजेस का नाम था, और एक्सरसाइज क्या है कि आपने बेड पे लेट जाना है, ठीक है, और आपने इमेजिन करना है कि आपके सामने एक है, व्हाइट बोर्ड कह लें या ब्लैक बोर्ड कह लें, जो भी है, ठीक है, उस पे आपने इमेजिनेशन में ये आपने सब कुछ करना है। ठीक है, सोए पड़े अब रात को ये नहीं करने लग पड़े उठ के व्हाइट बोर्ड ढूंढने लग पड़े, कहना है मैडम मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है ही नहीं, मैं अब ये एक्सरसाइज कैसे करूँ। तो आपने ये सारी चीजें इमेजिनेशन में करनी है। ठीक है जी, क्या करना है आपने कि आपने लेट जाना है अपने बेड पे बिल्कुल पुरसकून तरीके से, और आपने आंखें बंद कर लेनी है, और आपने राइट करना है 100, ठीक है, इमेजिनेशन में 100 राइट करना है। उसके बाद आपने उसे रेज करना है, आपने 98, 99 राइट करना है, फिर उसे रेज करना है 98, 96, 97, 99, 98, 97, 96, 95, इंशाल्लाह 95, 94 तक आप जाते आप देखोगे कि आपकी स्ट्रेस जो है बहुत हद तक रिलीज हो रही है और आपको नींद आने शुरू हो रही है। ठीक है जी, तो जब तक ये आपने करना है आप कोशिश करो कि आप 50 तक जाओ। ठीक है, जब आप 97 से 96, 95, तो जब आप 50 तक जाओगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नींद आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई है किस तरह हमने अपनी स्लीप इंड्यूस एक्सरसाइज करनी है, कि हमने आंखें बंद करके बेड पे लेट जाना है, अपनी इमेजिनेशन में हमने इमेजिन कर लेना है कि हमारे सामने एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हमने 100 लिख देना है, 100 को अरेज करना है, हमने 99 लिख देना है, 99 अरेज करना है, 98 लिख देना है, 98 अरेज करना है, 97 लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने सूरह रहमान की तलावत सुननी है। ठीक है जी, ये आपने टिल 50 तक करना है, कि उसके बाद सूरह रहमान की तलावत सुननी है, 3 दफा सुने, आंखें बंद करके सुने, और होप्स और तलावत सुनते सुनते आपको नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारा 9th स्टेप हो गया। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है, सबने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया है।